आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। और मैं आप सभी के साथ आज निफ्टी का रिव्यू करने जा रहा हूं और निफ्टी के चार्ट्स को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि अभी निफ्टी में आगे की चाल कैसी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 10,930 का लेवल जो है उसको बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 5 से 6 सेशन से मैं देख रहा हूँ कि 10,930 के नीचे स्टॉक डेली चार्ट पर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, सॉरी निफ्टी जो है डेली चार्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। और यहाँ से दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, एक अपसाइड जो कि शार्प अपसाइड हो सकता है या फिर एक बड़ा डाउनसाइड। अभी क्यों रुका हुआ है मार्केट? बिकॉज 5 अक्टूबर को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये डिसाइड होगा कि क्या आरबीआई रेट कट करेगा या रेट हाइक करेगा। अगर रेट कट करता है तो मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगी, तेज़ी आएगी, और अगर आरबीआई ने रेट हाइक कर दिए न उस केस के अंदर मार्केट में गिरावट की पूरी संभावना बनेगी। तो 5 अक्टूबर यानी कि परसों की बात हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे मार्केट रहता है। बट आज हम लोग निफ्टी के चार्ट पे बात करते हैं। और यहाँ पर हमने जैसा कि देखा कि 15 मई 2018 को निफ्टी ने 10,930 का रजिस्टेंस मेंटेन किया था और 10,903 के रजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं पाया और वापस अगले दिन से वो नीचे की तरफ आ गया। एंड उसके बाद अपना बॉटम बनाया 10,400 के आसपास। अगेन ट्राई किया निफ्टी ने 13 जून 2018 को 10,930 का लेवल तोड़ने का, बट अनसक्सेसफुल रहा। और अगेन लेवल बनाया 10,550 का। उसके बाद निफ्टी ने 10 जुलाई 2018 को 10,930 का लेवल ब्रेक कर दिया। एंड उसको ब्रेक करने के बाद एकदम से जूम नहीं हुआ, आप देखेंगे उसके बाद वो कुछ दिनों तक, यानी कि अगर मैं बात करूँ इंक्लूडिंग द 10 जुलाई, 10 जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रॉक्सीमेटली 9 सेशन, यहाँ तक 28 जुलाई तक 9th सेशन तक ये ऑलमोस्ट 10,930 के आसपास की रेंज तक रहा। एंड 9 जुलाई के 28 जुलाई के बाद से जब 21 जुलाई आई तब इसने एक अच्छी कैंडल ग्रीन की और वहाँ तक तेजी आई जो कि स्टॉक को लेके गई वापस ऊपर की तरफ। और यहाँ से आप देखेंगे लगभग 11,758 का लेवल निफ्टी ने टच किया, बट वहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ, कंटिन्यूसली गिरावट रही। और आप अगर देखेंगे 21 सितंबर 2018 को तो निफ्टी ने अपना जो लेवल जो डाउन साइड में टच किया था वो तकरीबन टच किया था 10,866 का लेवल, बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी 11,143 पे। उसके वेरी नेक्स्ट डे जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 10,967 पे। एक बड़ी रेड कैंडल क्रिएट हुई थी जिसने लो बनाया था 10,943 का। आप देखेंगे 930 के नीचे नहीं गया था अगले दिन। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 25 सितंबर को लो बनाया 10,880 का, यानी कि 930 के नीचे की का लो बनाया, बट क्लोजिंग कहाँ पर आई 11,067 पे। ठीक है, तो मैं आपको कब की कैंडल दिखा रहा हूँ, 21 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर एंड 26 सितंबर। 26 सितंबर में भी ऊपर ही रही 10,930 से। फिर 27 सितंबर को भी जो कैंडल थी उसने रेड जरूर बनाया, गिरावट आई, बट 10,930 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगेन 28 सितंबर को मार्केट ने निफ्टी ने 10,930.45 पर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, मतलब लो जो गया था वो 10,850.3 पे गया था, बट जो एग्जैक्ट क्लोजिंग आई वो 10,930.45 पे, मतलब उसी सपोर्ट लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग रही। उसके बाद कल भी आप अगर लो देखेंगे 10,821 तक गया, बट जो क्लोजिंग आई वो 11,008 के लेवल तक पे क्लोजिंग आई। सो ओवरऑल 10,930 के लेवल को ये पिछले कई सेशन से होल्ड कर रहा है, बड़ी गिरावट के दौर में भी होल्ड कर रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो लो हिट किया है वो हिट किया है 10,900 का, बट अभी फिलहाल जो ये कैंडल चल रही है वो 10,926 पे चल रही है। स्टिल कोशिश कर रहा है 10,930 को रोकने की, होल्ड करने की। और अगर आज भी रुक जाता है, मुझे लगता है कि आज और कल दोनों ही सेशन में ही रुकना चाहिए, क्योंकि परसों बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जो कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की मीट होने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोगों को आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसीज़ को देखना है तो उसके लिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ पर जाके देख सकते हैं। रिजर्व बैंक, तो RBI.org.in की साइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर ये एनुअल मॉनेटरी एनुअल पॉलिसी जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो होती है, एनुअल पॉलिसी में आप जा सकते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉनेटरी पॉलिसी का पेज, चाहे तो गूगल पे आप चेक कर सकते हैं RBI मॉनेटरी पॉलिसी, RBI.org की साइट पे आप जाइएगा और यहाँ पर आपको पता चलेगा 5 अक्टूबर फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2018 एंड 19। अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर 5 को होगी फिफ्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। हर 2 महीने के बाद एक इनकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, RBI की क्रेडिट पॉलिसी होती है जिसमें ये रिव्यू करते हैं प्राइसेस को और फिर उसमें कट करने का, स्टेबल रखने का या फिर हाइक करने का जो भी इनका डिसीजन रहता है वो उसके बेसिस पर मार्केट आगे चलता है। सो अभी 5 तारीख का वेट कर रहा है मार्केट, फिर नेक्स्ट दिसंबर 5 में होगी, देन उसके बाद फरवरी 6 में 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 की, ओके। सो ओवरऑल जो ये ट्रेंड है ये मैंने आपको दिखाया, अगर 10,930 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है जो कि आप देख रहे हैं पिछले कई सेशन से नहीं आई है, तब फिर हम यहाँ पर मान सकते हैं कि गिरावट और ज़्यादा आएगी और वो डिपेंड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी पर। अगर रेट हाइक होते हैं तो मार्केट में नीचे दबाव बन सकता है, अगर रेट कट होता है सो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल आता है जो कि नेक्स्ट जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो 11,130 का, यानी कि 11,130 इसका रेजिस्टेंस है। एक बार 11,130 के ऊपर एक बार मार्केट चला जाएगा, निफ्टी क्लोजिंग दे देगा तो आपको निफ्टी में और भी आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलती है। RSI भी इस समय लगभग 38-39 की रेंज में RSI ट्रेड कर रहा है इस वक्त। अगर आप वीकली चार्ट पे भी बात करेंगे तो देखिए इस वीक में फ़िलहाल अभी तक आज वेंसडे है, 2 ही कैंडल तैयार हुई है और अभी ना तो ऊपर और नीचे, ये तीनों दिन आप ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट एक से रहे हैं, ना गिरा मार्केट ना उठा मार्केट, जहाँ से वीक शुरू हुआ था वहीं पर है और ये 2 कैंडल वही इंडिकेशन दे रही है। सो लेट्स वेट एंड वॉच 5 अक्टूबर को मार्केट में क्या न्यूज़ आती है RBI की तरफ से, क्या रेट कट होता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में तेज़ी का दौर हमें देखने को मिलेगा और अगर रेट हाइक होते हैं तो हमें मार्केट में दबाव और प्रेशर की वजह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये हमने निफ्टी के बारे में रिव्यू किया और आपसे यही कहेंगे हम लोग, फ़िलहाल आप लोग 5 तारीख का इंतज़ार कीजिए, किस तरह की RBI का डिसीजन आता है, क्या क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आता है उसका इंतज़ार कीजिए और वॉच करते रहिए मार्केट को। बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए कि आप देखेंगे मार्केट ग्रीन में आ रहा है तो हम लोग जल्दी तक खरीद लें। अगर आपको किसी अच्छे स्टॉक में ख़रीदारी करनी है और आपको लगता है अच्छे स्टॉक है तो आप लोग हर महीने फ्यू क्वांटिटीज़ को ऐड करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके लिए समय अच्छा है, गिरावट का दौर है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट अगर बड़े स्टॉक्स में आ चुकी है तो अभी और ज़्यादा। तो मारुति है, तो मारुति में अगर 7200 के आसपास अगर 5-4 शेयर आप खरीदते हैं, तो अगर उसके नीचे अगर 7000 भी आता है तो आप फिर 2-4-5 शेयर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो अपसाइड है वो 10,000 तक है, यानी कि 3,000 रुपये का ऊपर आप समझ लीजिए, बट जो डाउन साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6,500-6,600 तक का है। तो आप लगा लीजिए कि यहाँ से 500 से 700 पॉइंट की गिरावट मैक्सिमम है। अगर मार्केट में नेगेटिविटी आती है तब मारुति के अंदर, लेकिन अगर तेज़ी आती है तो डेफिनेटली 2,500 से 3,000 रुपये का पॉइंट आपको मिलेगा अगले 1 साल से 1.5 साल की रेंज में। तो ये हमने बात की आप सभी से और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉपर एनालिसिस और अच्छी तरीके से मार्केट को ट्रैक करने के बाद ही निवेश करेंगे, जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। चैनल्स को, न्यूज़ इवेंट्स को, किसी को फॉलो मत कीजिए, फ़िलहाल चुपचाप बैठ के मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही आपका सच्चा साथी है, वही आपको मुनाफा दिलाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, मैं कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अगर बेल का अगर प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से लाखों लोग चैनल्स को देख के, CNBC आवाज़ को देख के या जो आपके जी बिजनेस को देख के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, उनको बहुत घाटा हो रहा है। हमारे साथ टेलीग्राम पर एक मित्र हमारे हैं जिन्होंने 188 के रेट पर आदित्य बिरला कैपिटल खरीदा था, CNBC आवाज़ को सुनने के बाद, अनिल सिंघवी के शो को सुनने के बाद, और उन्होंने इतनी ह्यूज क्वांटिटी खरीदी थी कि आज उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम लो यानी 110 पे चल रहा है। ये नहीं पता कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, बस पोजीशन को बनाकर होल्ड कर लिया। सो गाइज हम आपको बताते हैं कहाँ पर आपको होल्डिंग करनी है, कहाँ पर आपको निकलना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आपको एग्जिट करना है, एंट्री करना है। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मॉनिटरी। थैंक यू फ्रेंड्स।